से किस तरह मारा गया है, दरिंदगी के साथ मारा गया है, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? किसी बच्ची के साथ कुछ भी हो जाएगा, क्या कर रहे हैं हमारे नेता? सोचिए, कितनी शर्म की बात है। कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है, और डिफेंस में थी वो लड़की, कोई एरा गेरा नहीं थी, और उसकी माँ ने बर्तन झाड़ू कर करके पाला है बच्ची को। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है कि उस बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी करी क्यों। एक घंटे के अंदर आज तक का रिकॉर्ड है, किसी का पोस्टमार्टम होके बॉडी सुपुर्द करी है पुलिस ने? मुझे तो नहीं लगता। उसको एक से दो घंटे के अंदर उसका पोस्टमार्टम भी हो गया, उसके पर्चे भी तैयार करे, और एम्बुलेंस भी हरियाणा पुलिस ने अवेलेबल करा के दी, और उनको बोला कि आप इसको ले जाओ उत्तर प्रदेश। कहाँ दफनाओगे? उत्तर प्रदेश। वो बेचारे गाय टाइप लोग हैं, माता पिता उसके और उनके घर में कोई ऐसा था नहीं, ये गाँव ले गए वहाँ उसका आनंद फानंद दफनाने के लिए। जब वहाँ उसको निलाने दुलाने के लिए औरतों ने उसकी बॉडी को खोला, तो वहाँ जो औरतें थीं वो चक्कर खा के गिर गई। इस कदर उसकी बॉडी को डैमेज किया था, उसकी गर्दन अलग थी, उसके पार्ट्स काटे हुए थे, उसके बैक काटी हुई थी, और उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो तक चाकू से काटा हुआ था, और उसके कम से कम 50 से 60 चाकू उसके शरीर में लगे। ठीक है जी, इस तरीके से उसकी निर्मम हत्या हुई है। निर्भया कांड के बाद ये निर्भया जैसा ही कांड ये आज 2021 के अंदर हुआ, उससे भी रेप की खबरें भी आ रही है कि राबिया का रेप हुआ है। देखिए, रेप की खबरें तो ये, आप एक बात सोचिए, किसी एक अबला नारी का लड़की का इस तरीके से मर्डर होता है, तो मर्डर मुझे लगता है हत्यारे ने छीना झपटी के माध्यम से तो किया नहीं है। वो घरेलू वाइफ तो थी नहीं कि उसकी ज्वेलरी थी, ज्वेलरी छीनने के कारण उसका मर्डर किया गया है। कहीं ना कहीं उसके साथ बलात्कार भी हुआ होगा, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पास इसका प्रमाण नहीं है। एक बात, इसका प्रमाण हरियाणा पुलिस के SHO साहब देंगे, या उन्होंने अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उसके फादर को, उसकी मदर को अवेलेबल नहीं करा के दिए, ताकि पता लग सके कि उसके साथ आखिर में हुआ क्या क्या था। मतलब SHO साहब को भी नहीं पता है कि उनके साथ रेप हुआ या नहीं हुआ, पोस्टमार्टम। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात है, एक एलिगेशन बहुत बड़ा और है हरियाणा पुलिस के ऊपर, जो वहाँ के थाना अध्यक्ष के ऊपर, कि उन्होंने मुलजिम को, एक मुलजिम इसमें अरेस्ट भी हुआ है, उस मुलजिम ने अपने बयान में उनको बोला कि ये मेरी वाइफ है, लड़की जो मर गई है, मरने वाली लड़की के लिए बोला कि ये मेरी वाइफ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके न्यूज़ माध्यम से कि भाई, अगर उसने बोल दिया मुलजिम ने कि ये मेरी, मुलजिम ने बोला कि ये मेरी वाइफ है, तो क्या थाना अध्यक्ष की इतनी जिम्मेवारी नहीं बनती कि उस मुलजिम से प्रमाण पत्र देखते, शादी का कोई सर्टिफिकेट देखते, कोई कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट देखते, उसके बाद ही तो मीडिया में जाके, लोकल मीडिया।